Hey guys, what is up? Yeah, the circus from the brother guys. मैं आप लोगों के फिर से यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया के साइट से अमेजिंग अमेजिंग तो गाइस आप लोग ये वीडियो कंटेक्ट जरूर देखना। तो गाइस आज का जो फर्स्ट न्यूज होता है वो होता है बेसिकली कैरीमिनाटी की तरफ से। कैरीमिनाटी अपनी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया जिसे आप लोग देख सकते हो, मतलब जो मूवी आने वाला ना उसका शूट चल रहा है जिसे आप लोग देख सकते हो। बहन है उधर कैरीमिनाटी की, देखे पर्सनली एक नेम है तो उसके नीचे कुछ कैप्शन है जिसे आप लोग पढ़ लेना गाइस, पढ़ लेना। इसमें मतलब कुछ मोटिवेशन है जो हम लोग भी सर्च करते थे एक टाइम जब यूट्यूब से पहले की हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन थे वो कैरी भी करते थे, वो ऐसा करते 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 आज उसको मूवी भी मिल गया शायद, मेरे को इतना लगता है, मैंने आपको इतना बता दिया। देन जो स्टोरी था वो था बेसिकली आशीष की तरफ से। आशीष अपने मैंने 2020 का लास्ट वीडियो अपलोड कर दिया लेकिन उसके चैनल पर नहीं, कुनल छबरी का जो चैनल है उधर ही से आप लोग देख सकते हो। और अब मेरे को पता है अभी तक तो आप लोग देख चुके तो बता देना आप लोग कैसा लगा। देन जो स्टोरी था वो था बेसिकली गेमिंग अरह की तरफ से। उसके साथ क्या हुआ कि उसका एक डिस्कॉर्ड का जो मतलब सर्वर या फिर जो भी है पता नहीं कुछ तो है, तो उधर ही एक बंदे को इसने डिजाइन के लिए दिया था। तो उसने क्या किया, उसका जो पावर मतलब जो भी पावर मिला था उसका मिसयूज करके बहुत कुछ कर दिया। तो क्या किया वो आप लोग खुद सुन सकते हो। जानता हूँ आप लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहते हो एंड कई सारे लोगों को आप अपना दोस्त मान लेते हो। ऐसा होता है कि कई बार भरोसे वाले ही समझ जा सकते हो आप लोग क्या हो जाते हैं। तो यही हुआ कल मेरे साथ। कल रात को मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जिसमें 21,000 मेंबर्स थे और यहाँ पे वो पूरा न्यूक कर दिया गया। एक बंदे को गेम ऑन नाम के बंदे को हमने यहाँ पे अपना एक सर्वर डिजाइनर रख रखा था और उसने फिर वहाँ पे उसी पावर का मिसयूज करा और हमारे पूरे सर्वर को न्यूक कर दिया। न्यूक जो लोग नहीं समझ रहे मतलब उसने हमारे पूरे सर्वर की ऐसी की तैसी कर दी, सारे के सारे रोल्स डिलीट कर दिए। जितने भी यूट्यूबर्स थे उन सभी को कहना चाहूंगा भाई मैंने आपको किक नहीं करा अपने डिस्कॉर्ड सर्वर से, उसी बंदे ने आपको किक करा और हमारे जितने भी बॉट्स थे सबको बैन करा एंड बहुत सारी तबाही मचा के गया। बट अभी हमने यार कल रात को जाग करके हमने सारा कुछ रिकवर करा, जितनी भी चीजें कंट्रोल कर सकते थे वो सारे कंट्रोल पे लेके आ गए। अभी हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर लगभग 25% रिकवर हो चुका, 25% सेटल हो चुका है। हैक तो नहीं हुआ था, कई सारे लोग पैनिक हो गए थे भाई यहाँ पे हैक हो गया, बट यहाँ पे हैक नहीं हुआ, वो न्यूक किया गया था, सब कुछ डिलीट करने की कोशिश करी गई थी एंड उससे दूसरे लोगों का प्रमोशन किया जा रहा था। तो बेसिकली ऐसे लोग होते हैं कई बार भरोसे वाले ही समझ रहे हो। जन जो स्टोरी थे वो था इसलिए डिनो जिम्स की तरफ से। डिनो जिम्स का यार हो गया पंगा क्योंकि उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो यार हैक हो चुका है। तो इसके ऊपर डिनो अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी डाला जिसे आप लोग देख सकते हो, मतलब हैक होने के बाद जब अकाउंट बैक आया उसके बाद। तो देखो इंस्टाग्राम अकाउंट एक्चुअली सुबह हैक हो गया था। नीलेश वाला से समथिंग कुछ नहीं बोल सकते ऐसे लेकिन हम बैक। सो जिन लोगों को मैसेजेस गए हैं टू क्लिक हियर टू क्लिक दैट प्लीज डोंट डू इट एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल। सो थैंक यू। तेन जो स्टोरी था वो था इसलिए सौरव जोशी ब्लॉग की तरफ से। सौरव जोशी ब्लॉग अपने रिसेंटली ब्लॉग में कुछ पता है यूट्यूब के ऊपर बहुत ही गुस्सा था क्योंकि उसका जो रिसेंटली ब्लॉग अपलोड किए थे उसके यूट्यूब ने डायरेक्टली डिलीट ही कर दिया। क्या प्रॉब्लम था, क्या हुआ, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली डिलीट। बोला था कि कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ तो है वायोलेशन की तरफ, लेकिन उस वीडियो में कुछ भी नहीं था, ऐसे ही कुछ बोला है सौरव भैया ने। तो देखो एग्जैक्टली क्या कहा। आए थे अल्मोड़ा वाला, बिल्कुल सिंपल ब्लॉग था, पूरी फैमिली थी साथ में, ट्रैवल कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, मतलब काफी अच्छा था। और 2-3 बजे तक उसमें 8.5 लाख तक व्यूज भी आ गए थे। और पापा जी ने मेरे को बताया मार्केट में कि तेरा व्लॉग नहीं दिख रहा। मैंने कहा व्लॉग नहीं दिख रहा। तो फिर उसके बाद जब डेस्क में बैठे तो वहाँ देखा व्लॉग और रखा डिलीट, यूट्यूब ने व्लॉग कर रखा डिलीट। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, उसमें तो कुछ था भी नहीं ऐसा और कोई रीजन भी नहीं है। उस पर लिखा हुआ है कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कम्युनिटी गाइडलाइन के किस तरह से खिलाफ है। उसमें ना उन्होंने कोई रीजन लिख रखा है और ना ही कुछ मतलब कि ये वाला पार्ट खराब है कि मैं उसको सुधारूँ तो सही। अगर खराबी है व्लॉग में तो अगर नेक्स्ट व्लॉग में वो मैं गलती ना करूं वो भी वो तो बताएं, सीधा ही व्लॉग डिलीट। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। नहीं ध्यान रखेंगे किस चीज का, ध्यान क्या रखे तो हमें ये तो क्लियर करें कि हम किस चीज का ध्यान रखें, किस क्या ध्यान रख के वीडियो अपडेट करें बताना चाहिए यूट्यूब पे। आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी इतनी भद्दी इतनी गंदी उन पे व्यूज उनको वो डिलीट नहीं होंगी, नहीं होती है यही तो बात। कोई क्रिएटर है जो आगे बढ़ रहा है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उस पे यूट्यूब की नजर रहती है, पता नहीं क्या। तीन जो स्टोरी था बताया श्रीमान लेजेंड की तरफ से। श्रीमान लेजेंड अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया, आप लोग देख सकते हो, मतलब बताया कि अगर कोई भी बंदा उसका जो स्ट्रीम का जो हाईलाइट है अगर वो अपलोड करता है अपने चैनल पे तो उसको स्ट्राइक दे देगा। क्योंकि अगर मतलब सब पे नहीं देगा, अगर 30 डेज ओल्ड कोई भी स्ट्रीम से अगर कोई भी हाईलाइट देगा उसमें नहीं, लेकिन अगर रिसेंटली कोई भी स्ट्रीम का हाईलाइट देते हो तो स्ट्राइक दे दे। तो ये अगर आप लोग ऐसा करते हो तो मत करना, अभी वो ओल्ड वाले देना लेकिन नया वाले नहीं। तो ये वैसे इस वीडियो में तो अभी आप लोग मेरी न्यूज़ वीडियो कैसे लगा आप लोग मुझे सिंपल तरह कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग अच्छा लग गया तो प्लीज़ यार डेफिनेटली मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर तो क्या करना है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगभग बंद।